नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हासिल करने की उन्होंने बात कही है। बता दें कि ब्रह्मानंद नीतम पर भी सीएम ने कहा कि नीतम को खुद ही जाना चाहिए था पुलिस के पास। तो आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव हुए हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की जीत का आश्वासन दिया है। मनोज मांडवी की मौत के बाद ये सीट खाली चल रही थी और आज उपचुनाव हुए हैं जिस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी पर सीएम भूपेश बघेल ने ये बयान दिया है। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर उपचुनाव को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया। चर्चा होती है तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी प्रकार की बातें होगी। तो न केवल प्रदेश को फायदा होना है, पड़ोसी राज्यों को फायदा होना है, बल्कि देश के लिए भी राजनीति की दिशा तय होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गयावंत जिले के छूरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। सीएम ने छूरा में कई घोषणाएं की। सीएम ने छूरा को अनुसूचित बनाने के लिए स्टेडियम के लाइटिंग की व्यवस्था, हिंदी मीडियम से आत्मानंद स्कूल भवन बनाने, आईटीआई भवन के निर्माण कराने और प्रदेश के सौंदर्यीकरण के घोषणा की है। सीएम ने कहा कि जिले में छोटे होने से अधिकारी अपने काम की सतत मॉनिटरिंग करें और क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हर काम किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले छूरा में रजिस्ट्रार के कार्यालय खोले जाएंगे। दूसरा, हमारे भैया मांग कर अंतर लिया है छूरा का अनुभाग बनाना है, एटीएम कार्यालय होगा घोषणा। तीसरा मांग करी पांडुका में उप तहसील के घोषणा होगा। और छूरा में हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल के भवन के निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत में 35 केवी के विद्युत उपकेंद्र के निर्माण कराया जाएगा। वहीं भूपेश बघेल का एक और बयान सामने आया है, बड़ी खबर है, जिसमें महाधिवेशन को लेकर सीएम ने कहा कि महाधिवेशन के बाद खुलेगा लोकसभा का रास्ता। बता दें कि महाधिवेशन पर देश दुनिया की नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस की बैठक होने वाली है। फरवरी में महाधिवेशन होने वाला है जिसको लेकर मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है जिसमें कांग्रेस के महाधिवेशन पर उन्होंने कहा है कि महाधिवेशन के बाद लोकसभा का रास्ता खुल जाएगा, देश और दुनिया की इस महाधिवेशन पर नजर है। तो फरवरी में छत्तीसगढ़ में एआईसीसी की बैठक होनी है और ये पहली बार होगा कि छत्तीसगढ़ में महाधिवेशन होने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आम जनता से सीधा संवाद कर न पाना केवल उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सतिया संस्कृति, खानपान और जीवन शैली को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री बघेल ने भोजन ग्रहण कर फिंगर स्वरे किसान के वहां पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के घर न पहुंचने पर लोगों के चेहरे पर भी काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली है।
तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आम जनता से सीधा संवाद न कर पाने की और उनकी समस्या का निराकरण किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़िया संस्कृति, खान पान और जीवन शैली को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आम जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने भोजन ग्रहण किया है। वहीं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएनसीयू में पावर कट से बवाल मच गया। बिजली गुल होने के बाद बैटरी बैकअप में दिक्कत आने से वेंटिलेटर बंद होने से हादसा होने का अनुमान लगाया जा रहा था। इस दौरान अस्पताल में एसएनसीयू में 3 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 24 घंटे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दूसरे कारणों से भी 3 बच्चों की मौत हो गई है। मौत की खबर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सहसिंह अधिकारियों पर भड़क गए। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव आर प्रसंगन को जांच के निर्देश दिए हैं। रात के लाइट गोल हो गया था, कोई बोल रहे हैं कि बच्चे 3 तो डेथ हो गए हैं। मेरे को भी डाउट लग रहा है कि मेरा बच्चा, डॉक्टर लोग नहीं बता रहे हैं कि किसका बच्चा डेथ हुआ है, इसे अंदर जाने को मना कर रहे हैं, अभी नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर लोग आएंगे तो बताएंगे। फिर मेरे को भी डर है कि मेरे देखने नहीं जा रहे हैं, बच्चे का हालत कैसे है, तबीयत बस पूछना है, देख के आना है, मेरे को नहीं अंदर ढूंढने को मना है। रात में वही 11-12 बजे रात में लाइट गोल हुआ, उसके बाद भोर में आए 3 बजे, फिर उतना तक पूरा अंधेला था, फिर रोने गाने किए, बहुत परेशानी हुए, लड़का लोग तो बहुत इधर उधर हुए, और जो भी घटना हुआ लाइट का ही कारण, काहे कि लाइट नहीं था इसके कारण मतलब लड़का लोग को ऐसा हुआ, काहे कि खुला में तो रखते हैं लड़का लोग को। अंबिकापुर एमसीएच अस्पताल से 4 शिशुओं की मृत्यु की जानकारी आज 10:30 बजे मुझे लगी, और विभागीय प्रमुख अधिकारी सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने फोन करके तत्काल एक जांच टीम वरिष्ठ लोगों की गठित करके भेजने के लिए डायरेक्शन भी दिए, और साथ ही मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके उनको घटना की जानकारी भी दी, और वहां जाने के लिए भी मैंने कहा कि वहां जाना जरूरी होगा, अभी रोड मार्ग से अथवा अगर हेलीकॉप्टर हो जाए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करा दिया है। तो ऑक्सीजन लेने नहीं पा रहा था, लाइट गोल हो गया, फिर कहाँ से लेगा ऑक्सीजन, बंदे हो गया था होगा, जब लाइटें नहीं रहेगी तो मशीन से कहाँ चालू रहेगा। 14-15 दिन हो गया, अब अपना बच्चा खत्म हो गया। वहीं मस्तूरी के भावर गणेश मंदिर से पुजारी को बंधक बनाकर लूट माट करने वाले आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि कुछ अज्ञात लोगों ने पुजारी महेश केवट के साथ बंधक बनाकर बेशकीमती मंदिर से मूर्ति की चोरी कर ली थी और उसे बेचने के इरादे से खरीदने वाले लोगों की तलाश में थे। मामला गंभीर होने के चलते एसएसपी पारुल माथुर ने टीम का गठन कर मूर्ति की खोजबीन शुरू की। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से टुकड़ों में मूर्तियों को बरामद कर लिया गया है। ये 26 अगस्त को थाना मस्तूरी के ग्राम इटवापाली में जो प्राचीन भवर गणेश का मंदिर है, उसकी जो मूर्ति है और वहाँ के मुकुट, उसको पुजारी को टेप लगा के आंखों में और हाथ में बांध के वहाँ पे लूट की घटना हुई थी। तभी से पुलिस काफी इसमें गहराई से तफ्तीश कर रही थी और सभी एंगल्स पे हम लोग काम कर रहे थे। इसमें पिछले 2-3 दिनों में पुलिस की टीम को, क्राइम ब्रांच को एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट मिला, जिससे कि ये जानकारी प्राप्त हुई कि मसूरी थाना क्षेत्र के आसपास के ही गांव के कुछ लड़के एक मूर्ति के टुकड़े का सैंपल लेकर किसी खरीदार की तलाश में हैं और 4 करोड़ रुपए में एक मूर्ति को बेचना चाहते हैं।
वहीं अगली खबर एमसीबी से है, जहां उप जेल में विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। बता दें कि मृतक दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा था। वहीं परिजनों को मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको बता दें कि एमसीबी का यह मामला है, जहां पर जेल में विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है। दुष्कर्म के आरोपी की जेल के अंदर मौत होने का मामला है और जिस पूरे मामले पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये कैदी विचाराधीन कैदी था जो कि दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा था। मनेन्द्रगढ़ के उप जिला जेल में ये कैदी बंद था, जहां पर एमसीबी के मामले में यहां पर दुष्कर्म के आरोपी की मौत हो गई है। तो एमसीबी से ये खबर सामने आई है, जहां पर विचाराधीन जो कैदी था उसकी मौत हो गई है। दुष्कर्म की सजा काट रहा था ये कैदी। फिलहाल जैसे ही मौत की खबर परिजनों के पास पहुंची है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है। चंदूर बाजार में ओम मंगल कार्यालय में प्रहार जनशक्ति पक्ष के महत्मे में आई हॉस्पिटल नागपुर की ओर से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नेत्र दान करने के लिए लोगों ने जांच करवाई और अपनी आंखों की जांच भी कराई। इस दौरान साथ ही 232 मरीजों को आंखों का इलाज निःशुल्क दिया गया। प्रहार जनशक्ति पक्ष के तहसील प्रमुख ने बताया कि इस शिविर में बड़ी संख्या में नेत्र पीड़ित आए और कई नागरिकों ने अपनी आंखों की जांच भी कराई है। वहीं अगली खबर पुणे से है, जहां शिवसेना के सांसद और मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे ने सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर बाइक रैली निकाली, जहां विधायक भरत गोखले ने कहा कि जब उद्धव इस राज्य के प्रमुख थे, तब वो नागरिकों से ही नहीं, हम विधायकों से भी नहीं मिलते थे, क्योंकि उन्हें सत्ता का घमंड था। पर हम 40 विधायकों की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर यह घमंड तोड़ दिया है। वहीं शक्ति जिले में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाली आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जांजगीर के चंपा का यह मामला है, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवती ने युवक से 1,70,000 रूपये की नकदी ली थी और एनटीपीसी के कोरबा में इलेक्ट्रीशियन के पद पर नौकरी लगवाने के लिए युवक को कहा था। पैसा देने के बाद नौकरी नहीं लगने पर युवक ने शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी युवती को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में सुकमा जिले के बाल वैज्ञानिकों के दो परियोजनाओं भी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस दौरान अहमदाबाद में आयोजित तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में सुकमा के बाल वैज्ञानिक कोरम सैमुअल, कुमारी मिश्बा, मनोहर बघेल और सोडी दीपक शामिल होंगे। बता दें कि 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में 3 जनवरी 2023 को होगा। जानकारी के मुताबिक रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया।
जिसके बाद कलेक्टर हरीश एस ने बाल वैज्ञानिकों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी। वहीं जांजगीर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लूट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आरोपियों के पास से लूट किए हुए मोबाइल को बरामद किया है। बता दें कि पप्पू उर्फ कामेश्वर यादव और राजा यादव ने जान से मारने की धमकी देते हुए युवती से मोबाइल फोन और 5,000 रूपये लूटकर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर में बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के लोग कालनेमी हैं, सनातन धर्म का, भगवान राम का, माता कौशल्या का अपमान करते रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चंद्रखूरी की माता कौशल्या के मंदिर में नारियल तक को रविन्द्र चौबे ने स्वीकार नहीं किया। इनका दिखनाई का स्वरूप और वास्तविक स्वरूप अलग है। कांग्रेस बार बार हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर संविदा और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन गत दिनों बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे जी के पास संविदा और अनियमित कर्मचारी साथी सभी विभागों से संबंधित वे पहुंचे। माता कौशल्या का जो मंदिर है चंद्रखुरी में, वहां के नारियल के साथ एक संकल्प के साथ वहां पर पहुंचे। इससे पहले इन कर्मचारी साथियों ने माता कौशल्या के मंदिर तक पदयात्राएं की, वहां मनोकामना का दीप जलाया, दिया जलाया, और उसके बाद ये नारियल के साथ वो लोग पहुंचे थे रविन्द्र चौबे जी के पास, लेकिन रविन्द्र चौबे जी ने उस नारियल को स्वीकार करने से भी मना कर दिया, उनसे भेंट करने से भी मना कर दिया, उनसे मुलाकात तक नहीं की। यह बड़ी दुर्भाग्य। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूनत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट अधिकारियों और व्यापारियों पर अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां सबूत के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो आपको ईडी को जांच में सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री सचिव भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई अधिकारी है या कोई व्यापारी है, उसके खिलाफ अगर सरकारी तंत्र उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ दस्तावेज के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो कांग्रेसियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई जिन व्यक्तियों ने किया भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पूरा देश खड़ा है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं उनके काले कारनामे जनता के बीच में आना चाहिए। वहीं रायपुर में संविदा कर्मचारियों ने कौशल्या धाम चंदखुरी से लेकर रायपुर तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में 54 विभाग के संविदा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पदयात्रा निकाल रहे संविदा कर्मचारियों ने सरकार से उनके नियमितीकरण की मांग की। पदयात्रा के समापन के बाद संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के मंत्री रविन्द्र चौबे से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर रविन्द्र चौबे से चर्चा की। वहीं मुंगेली जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 8 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 630 आवेदकों ने आवेदन किया, जिसमें लगभग 143 आवेदकों का चयन हुआ, जिन्हें स्थानीय जनप्रतिनिधि, कलेक्टर राहुल देव और विभागीय अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट अधिकारी ने बताया कि जिला मुंगेली में नियमित रूप से बेरोजगार छात्र छात्राओं की काउंसलिंग की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी उम्मीदवार मानसिक रूप से जॉब के लिए तैयार हो सके। खबर मुंगेली, मुंगेली बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और अभी मैं खड़ा हूँ मुंगेली जिले के कलेक्ट्रेट के परिसर में जन दर्शन भवन में, और इस जन दर्शन भवन में आज यहाँ पे रोजगार विभाग के द्वारा एम्प्लॉयमेंट मेला लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज आई हुई है और वैसे भी उम्मीदवार आए हुए हैं जिन्हें जॉब चाहिए। अलग अलग आयु वर्ग के लोग अपने लिए जॉब की तलाश में इस रोजगार कैंप में, इस प्लेसमेंट कैंप में आए हुए हैं। तो आइए पहले मिलते हैं कार्यक्रम।
के अधिकारी से, बच्चों से और जितने भी लोग, कई लोग बाहर से अलग अलग कंपनीज आई हुई हैं जिन्हें कैंडिडेट्स चाहिए, और ये कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू के माध्यम से, फॉर्म्स के माध्यम से, एक दूसरे के सहयोग से सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं और देखते हैं ये कार्यक्रम। और मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। कुछ अपने भी स्टॉल लगे हैं वो आकर के मिलते हैं। पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो कार्यक्रम के अधिकारी हैं, रोजगार अधिकारी और कौशल विकास अधिकारी केडिया सर, आइए उनसे। प्लेसमेंट कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, शासन की क्या योजना है और शासन किस तरह से लाभान्वितों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? गेली जिला द्वारा जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, आकांक्षा जो सशक्त युवा सशक्त मुंगेली के अंतर्गत है। आकांक्षा प्लेटफॉर्म में जो है प्राइवेट इंप्लॉयर को और जो रोजगार इच्छुक बेरोजगार आवेदक हैं उन को दिलाने का काम जिला प्रशासन कर रहा है, ताकि इस तरह के प्लेसमेंट के रोजगार मेले के आयोजन के माध्यम से जो है बेरोजगार युवकों को जो है इसी क्षेत्र में जो है प्लेसमेंट प्लेस कराने का जो है अवसर प्रदान किए हैं। आज उसी गतिविधि में अभी तक करीब 600 लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उसी प्रतिनिधि में जो है आज ये मेला रखा गया है, जिसमें 8 कंपनी जो है पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके द्वारा लगभग 1100 पदों की परिसूचना जारी की गई है और इन 1100 पदों पर भर्ती की कार्रवाई कर रही है। आज जो है लगभग 500 लोगों ने जो है प्रशिक्षण कराया है और ये रिजल्ट जो है काम तक आने की कोई तय नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम चलता रहेगा। हमारे पास जैसे ही वैकेंसियां आएंगी अनुसूचित होंगी, उसके आधार पर जो है समय समय पर चलिए फिलहाल के लिए हम